हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मानवी। टुडे आई एम अगेन गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि आपने देखा मेरे लास्ट सेशन में मैंने कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं उसके बेसिक को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आज के इस सेशन में मैं उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना चाहूँगी। ओके गाइस, सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 4.3 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टुडे। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है। ओके, सो हेयर फर्स्ट इज एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4। हम ठीक है, इसे हमें ग्राफ पे प्रेजेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू लेनी होगी और उसके बेस पे हमें y की वैल्यू निकालनी होगी और उसके बेस पर ही हम क्या करेंगे, उन्हें ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो जस्ट हेयर प्रेजेंट, सपोज x की प्लेस पे मैंने 0 पुट किया। ओके, अगर मैंने 0 पुट किया सो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 4। ओके, क्योंकि 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 एंड अगेन x इज इक्वल टू, सपोज मैंने 4 प्लॉट किया, सॉरी नाउ सपोज मैंने x के प्लेस पे 4 प्रेजेंट किया, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, आप कोई भी वैल्यू प्लॉट कर सकते हो बट कम से कम दो वैल्यू तो होनी ही चाहिए और आप वैल्यू ऐसी लो जो कि ग्राफ पे प्रेजेंट करना आपके लिए इजी हो। ओके, तो देखिए इसे अगर हम एज अ टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज y। ओके, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 4। ओके, और जब मैंने x की वैल्यू मैंने 4 ली तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 0। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट इज हेयर एज x एंड y की वैल्यू, फर्स्ट आपका एज अ पेयर क्या बनेगा, व्हेन 0 लिया तो आपका पेयर क्या बना, 0 और 4 का पेयर बना और दूसरा पेयर आपका क्या बनेगा, 4 एंड 0। क्यों, क्योंकि आपने देखिए x की वैल्यू पहले 0 ली है तो आपकी y की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है और जब आपने 4 एज अ प्लेस ऑफ x लिया देन आपके आंसर क्या आया है, 0 इन प्लेस ऑफ y। तो ये आपके टू पेयर्स बन गए। अब इन्हें आपको ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, 0 एंड 4, 0 फ्रॉम x एक्सिस प्लस साइड एंड 4 फ्रॉम y एक्सिस प्लस साइड। सो दिस इज 0, सो दिस इज योर पॉइंट। ओके, जस्ट अ मिनट, दिस इज योर पॉइंट। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 4 एंड 0, 4 फ्रॉम x एक्सिस एंड 0 फ्रॉम y एक्सिस, सो आपका प्लॉटिंग क्या बनेगा, दिस वन। ओके, तरह से मिला दिया। ओके, दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। अब जैसे कि यहाँ पे आपको बस वैल्यू प्रेजेंट करनी होगी, 0 एंड 4 आपने ली एक बार और दूसरी बार आपने क्या लिए, 4 एंड 0। ओके, लाइक दिस। ओके, दिस अब इस तरह से आपको इसे प्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है एंड हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल गाइज। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट। नंबर नेक्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन हम इसमें x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू ली, सपोज मैंने 0 ली है देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड द नेक्स्ट इज इन प्लेस ऑफ x, सपोज आई जस्ट टेक 2। ओके, मैं 2 लेती हूँ, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 0। ओके,
ओके अब आप इसे क्या करोगे, टेबल में प्रेजेंट करोगे। जब आपने एक्स की वैल्यू 0 ली तो आपको वाई की वैल्यू क्या मिली है, -2। और जब आपने एक्स के प्लेस पे 2 लिया है तो आपको आंसर में वाई के प्लेस पे क्या मिला है, 0। अब इसे आप ग्राफ में प्रेजेंट करोगे। ओके सो इन प्लेस ऑफ एक्स इज 0 एंड इन प्लेस ऑफ वाई, सो आंसर हमारा क्या बनेगा, दिस वन -2। ओके क्योंकि 0 एक्स के प्लेस पे है और वाई के प्लेस पे -2 है। एंड दूसरी क्या है, एक्स के प्लेस पे 0, एक्स के प्लेस पे 2 और वाई के प्लेस पे 0, दिस वन। ओके और अब क्या करोगे इससे, आप इस तरह से अब क्या करोगे, इस तरह से इसे हम मिला देंगे। ओके आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। सो आप सिर्फ इसमें इनको इस तरह से प्रेजेंट करोगे और जो आपकी पेयर्स हैं उनको इस तरह से उन्हें प्रेजेंट करना है। ओके अदरवाइज इस तरह से भी आप इस पूरे ही एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख के भी इसे प्रेजेंट कर सकती हो। ओके गाइज आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है एंड हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल गाइज। नाउ नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3x, अगेन हम इसमें x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे। सपोज मैंने 0 ली है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, बिकॉज 3 इंटू 0 इज 0। और अगर मैंने x के प्लेस पे 1 लिया तो y के प्लेस पे मेरा आंसर क्या आएगा, 3, बिकॉज 3 इंटू 1 इज 3। इसे आपने टेबलर फॉर्म में प्रेजेंट किया। ओके इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स के प्लेस पे मैंने 0 लिया, मुझे आंसर वाई का भी 0 मिला। मैंने एक्स के प्लेस पे 1 लिया तो मुझे वाई के प्लेस पे क्या मिला, 3 मिला। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट पेयर आपका क्या बन रहा है, 0 0, एंड सेकेंड पेयर इज 1 एंड 3 का। ओके सो एक्स के प्लेस पे 0 0, दोनों ही 0 की वैल्यू है तो हमारा पॉइंट ओरिजिन पर ही कट करेगा। ओके एंड नेक्स्ट इज 1 एंड 3, 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, सो दिस इज आवर। ओके फिर हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे। ओके आप जब खुद ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे तो एकदम से अच्छे से वो स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हो जाएगा। ओके आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल गाइज। आप इस क्वेश्चन पे बेस के, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें ग्राफ में बड़े बड़े लिए गए हैं, तो आप जब ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे ना देन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइज नेक्स्ट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अगेन आपने कोई भी वैल्यू ली, सपोज x इज इक्वल टू 0 लिया हमने तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। सो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, सो 2 इंटू 0 प्लस वाई, तो हमारा वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने 1 सपोज किया। ओके सो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2 प्लस वाई, सो वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब हम इसे टेबल बना के देखिए। Like this, okay? X and x and y. X के प्लेस पे हमने 0 लिया तो हमें y की वैल्यू क्या मिली है, 3। और जब मैंने x के प्लेस पे हमने 1 लिया तो y के प्लेस पे हमें क्या मिला, अगेन 1। ओके अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। सेम x के प्लेस पे 0 एंड y के प्लेस पे 3, दोनों ही प्लस की वैल्यू, दिस वन। ओके एंड दोनों x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे भी 1, तो मेरा क्या बनेगा, दिस वन। और अब हम इसे क्या करेंगे, इन्हें हम मिला देंगे। ओके ये देखिए। ओके इसे अब हम इस तरह से मिला देंगे। जब आप ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट होगी। ओके गाइस सो हियर आप यहाँ पे 0 एंड 3 लिखा एंड इस पे हमने
वन एंड वन लिखा, ओके okay? या फिर आप चाहो तो इस पूरे इक्वेशन को इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे भी प्रेजेंट कर सकते हो, ओके हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, ओके गाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14 एज अ पेयर, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. सबसे पहले आपको पेयर दिया है 2 and 14, इसका मतलब क्या है, इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड इन प्लेस ऑफ y इज इक्वल टू 14, ओके. अब हमें क्या बोला गया है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14. हमें कोई दो ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं जो इन दोनों x और y के वैल्यूज़ के बेस पे दोनों एक दूसरे को ग्राफ पे पास करते हुए जाएं, ओके तो इसके लिए आपको पता है ना हमें किस तरह से इक्वेशन बनाना है जिसको हम अगर सॉल्व भी करें तो x और y की वैल्यू प्लॉट करने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, ओके तो देखिए x एंड y, ओके कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो. जैसे कि सपोज कीजिए मैंने x प्लस y लिया, ओके x प्लस y इज इक्वल टू, अब देखिए x के प्लेस पे 2 है और y के प्लेस पे 14 है, तो मतलब क्या हुआ 16. तो देखिए मेरा ये एक इक्वेशन बन गया x प्लस y इज इक्वल टू 16 ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए. और दूसरा भी मैं इसी तरह से कुछ भी ले सकती हूँ जैसे कि दोनों तरफ के वो उसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, ओके सपोज कीजिए इन प्लेस ऑफ y इज इक्वल टू 7x, वाई के प्लेस पे हम जैसे आप इसे उसे आप सॉल्व करके देखो तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि वो दोनों साइड इक्वल होंगे तभी वो इक्वेशन हमारा सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके तो ये देखिए 14 इक्वल 14, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इक्वेशन हमारा सही है. इस तरह से आप और भी कितने भी आप इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हो, ओके हमसे सिर्फ अभी पहले 2 पूछा गया है, आप इन दोनों को आपने प्रेजेंट करना है, ओके सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बना, x प्लस y इज इक्वल टू 16 एंड सेकेंड इज y इज इक्वल टू 7x, ओके एंड जब इसे ग्राफ पे आप प्रेजेंट करोगे ना तो ये एक तरह से ही क्रिएट होंगे कि वो एक दूसरे को पास करते हुए जाएंगे, ओके एंड हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, हम कितनी लाइंस इन पॉइंट से बना सकते हैं. देखिए किसी भी ग्राफ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको पता है इनफिनाइटली हम मैनी सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो अगर इसमें हम कोई भी पॉइंट सपोज हमने लिया हुआ है उस पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस बना सकते हैं, कितनी भी लाइंस बना सकते हैं, देखिए ओके कितनी भी लाइंस बना सकते हैं. सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है. देखिए हेयर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, देखिए इसमें भी दिस वन हेयर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, ओके जस्ट अ मिसप्रिंट एंड देखिए इसमें लिखा भी है कि दिस इक्वेशंस ऑफ दोनों ही इक्वेशंस क्या करते हैं, इस तरह दोनों ही इक्वेशंस के बेस पे जो हमारी लाइंस क्रिएट होंगी स्ट्रेट लाइन वो एक दूसरे को पास करते हुए जाएंगी, ओके जरूरी नहीं है आप ये दो ही इक्वेशंस, आप कोई भी इक्वेशंस ले सकते हो बस वो सेटिस्फाइड करने चाहिए, ओके एंड ऑल्सो हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, देयर विल बी इनफिनाइटली सच लाइन्स, ओके क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस भी इनफिनाइटली होते हैं और इसमें क्या होते हैं आप जितनी भी चाहो एक पॉइंट से आप कितनी भी इनफिनाइटली लाइन्स क्रिएट कर सकते हो, ओके गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इफ द पॉइंट 3 एंड 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. अगर if the point 3 and 4 इसके बेस पे सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया in place of x is equal to 3 है और in place of y हमारा क्या है 4 है, ओके अगर दोनों ही क्या दिया है lies on the graph of the equation, अगर ये equation पे इस equation के बेस पे ग्राफ पे lie होते हैं then इस वाले equation के बेस पे, so find the value of a. हमारा equation क्या है 3y is equal to ax plus 7, this is a, okay guys ax plus 7,
सो अब आपके पास y और x की वैल्यू तो है ही, सो आप उन वैल्यूज़ को इनके प्लेस पे पुट करोगे इंटू 3 प्लस 7। ओके, 4 इंटू 3 इज़ 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इज़ 3a प्लस 7। सो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, सो आंसर इज 5/3। 5/3 इज योर आंसर। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछी गई थी, सिर्फ इसके लिए आपने इस इक्वेशन में a, x और y की वैल्यू आपने पुट की और उसके बेस पे आपने आंसर निकाल लिया। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक सिटी में किस तरह से टैक्सी का फेयर मतलब चार्ज किया जाता है। ओके, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ फेयर चार्ज किया जाता है। ओके, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, और उसके बाद के डिस्टेंस के लिए 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के बेस पे चार्ज किया जाता है। ओके, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज रुपीज़ वाई। ओके, आपको जैसे दिया है उस तरह से आपको फॉलो करके इक्वेशन क्रिएट करना है। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस एज अ एक्स। ओके, एंड टोटल फेयर वाई। ओके, अब देखिए सपोज कीजिए डिस्टेंस हमारी ये है, कोई भी डिस्टेंस आपको सपोज करनी है। अब सपोज मुझे इस प्लेस से स्टार्ट होकर इधर तक जाना है, कहीं भी मुझे जाना है, तो उस प्लेस पे जाने के लिए देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है ना, जैसे सपोज मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो 1 किलोमीटर तक जब मैं जाऊँगी तो मुझसे 8 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद मैं जितने भी किलोमीटर्स जाऊँगी, जितने भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ भी, उसके बेस पे उनके चार्जेस क्या होंगे, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के बेस पे। देखिए स्टार्टिंग का फर्स्ट 1 किलोमीटर मुझसे 8 रुपीज़ लिए ही जाएंगे। ओके, अब देखिए जैसे कि आपने देखा हमारी डिस्टेंस क्या है, x है, टोटल डिस्टेंस हमारी x है। अगर टोटल डिस्टेंस मेरी x है, उसमें से तो इतनी के तो मुझसे फेयर ले लिया गया है। ओके, अब हमें इसका डिसाइड करना है। ओके, तो जैसे कि आपको दिया है टोटल फेयर क्या है, y। ओके, y टोटल फेयर इज इक्वल टू, हमसे जो टोटल फेयर लिया गया है हमें वो प्रेजेंट करना है। टोटल फेयर देखिए 1 किलोमीटर के लिए तो मुझसे 8 रुपीज़ लिया ही जा रहा है, और बाकी के लिए मुझसे कितना चार्ज किया जा रहा है, 5 रुपीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सबसिक्वेंट डिस्टेंस। ओके, पर सबसिक्वेंट डिस्टेंस हमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स। अगर उसमें से मैंने 1 किलोमीटर लेस कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस का तो मेरे पास चार्जेस है 8 रुपीज़। ओके, तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगी, मतलब एक्स टोटल डिस्टेंस में से मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस को लेस करूँगी, तो जो डिस्टेंस मेरी बचेगी उस पर मुझे पर किलोमीटर के बेस पे 5 रुपीज़ चार्जेस होंगी। ओके, दिस वन दैट्स मीन दिस मीन्स वाई मीन्स टोटल फेयर इज इक्वल टू 8 रुपीज़ फॉर पर वन फर्स्ट किलोमीटर प्लस 5 रुपीज़ इंटू सबसिक्वेंट डिस्टेंस फॉर एज पर किलोमीटर बेस। ओके, दिस वन, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इक्वेशन क्या क्रिएट हुआ, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन क्रिएट हुआ फर्स्ट, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन को फॉलो करके हमने स्टेप क्रिएट किए। ओके, अब हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। सो 8, सॉरी, सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 3 प्लस 5x। ओके, अब ये हमारा इक्वेशन क्रिएट हो गया, दिस वन।
फाइव इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एक्स। अब इस हम इक्वेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, x और y के वैल्यूज़ निकालेंगे और क्वेश्चन में उन्हें हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। ओके गाइस, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ टेक द नेक्स्ट स्टेप। नाउ अब हमारा इक्वेशन जैसे कि आपने देखा था क्या था, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एक्स। ओके अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x और y के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे x के प्लेस पे मैंने 0 ले लिया, ओके तो अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 0, देन आंसर इज 3। ओके और अगर मैंने x के प्लेस पे मैंने क्या लिया, 1 लिया, देन y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1 इज 5 एंड 3 प्लस 5 इज 8। ओके हमारे आंसर्स इस तरह से बनेंगे। ओके तो हमारा टेबुलर फॉर्म क्या बनेगा देखिए, इन प्लेस ऑफ x एंड y, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू क्या आई है, 3। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो मेरी y की वैल्यू क्या आई है, 8। ओके इस तरह से हमने इसको प्रेजेंट किया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे। ओके गाइस, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो अवेलेबल गाइस। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपने देखी थी हमारी वैल्यू क्या है, अगर हमने 0 लिया था तो उसके बेस पे हमारा क्या बन रहा था, 3 एज ए वाई, और जब मैंने 1 इन प्लेस ऑफ x लिया तो मुझे y क्या मिल रहा था, 8। ओके अब सिर्फ अब इन्हें हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। ओके फर्स्ट इज 0 एंड 3, 0 फ्रॉम x एक्सिस एंड 3 फ्रॉम y एक्सिस, दिस वन, सो आवर पॉइंट इज दिस पॉइंट। ओके एंड नेक्स्ट इज 1 एंड 8, ए 1 फ्रॉम x एक्सिस एंड 8 फ्रॉम y एक्सिस, 1 इज 8, 1 एंड 8 दिस वन। ओके गाइस अब बस हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम मिला देंगे। ओके देखिए हम इसे मिला देंगे, प्लीज़ जब आप इन्हें खुद बनाओगे ना स्ट्रेट एज ए ग्राफ पे तो वो इजीली आपका वो मैच कर जाएगा स्ट्रेट लाइन वाइज। ओके गाइस आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट स्पेशली क्लियर हो रहा है कि किस तरह से हम उन्हें ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उनके लिए हम सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसके लिए किस तरह से हम इक्वेशंस को क्रिएट करते हैं फर्स्ट। ओके गाइस होप टू बी क्लियर गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। आपके पास दो ग्राफ दे दिए गए हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके और उसके लिए आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, ये दिस मतलब ये चारों आपको इसके लिए दिए हैं और ये चारों आपको इसके लिए दिए गए हैं। ओके अब हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन इन ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। ओके कौन सा इक्वेशन इन ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा, देखिए हमारा फर्स्ट ग्राफ क्या है, दिस वन। सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू देखनी है, देखिए फर्स्ट पेयर क्या है इसके, इसमें माइनस वन एंड वन। ओके सेकंड पेयर क्या है, जीरो जीरो, एंड थर्ड पेयर इज वन एंड माइनस वन। ओके अब हमें ये देखना है कि ये एक्स आपको तो पता है एज अ पेयर वाइज माइनस वन एंड वन, माइनस वन एक्स की वैल्यू है और वन वाई की वैल्यू है, इस तरह से सभी पेयर्स में इस तरह से ही है। अब हमें इस इक्वेशन के बेस पे देखना है कि क्या ये वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, अगर जो इक्वेशन इन्हें सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी द आंसर। ओके फर्स्ट के लिए देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो वाई की वैल्यू हमारी माइनस वन है लेकिन एक्स की वैल्यू तो हमारी वन है, तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ओके नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की आप एक भी पहले वैल्यू प्लस पुट करके देखिए, तो अगर वो एक भी सेटिस्फाई की तो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरे उसके बेस पे आप प्रेजेंट करोगे। ओके अब देखिए फर्स्ट हमारी क्या है, माइनस वन प्लस वन, ये देखिए इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे फर्स्ट को सेटिस्फाई किया तो हम दूसरी वैल्यू भी पुट करके देखेंगे इसी इक्वेशन में,
क्योंकि अगर फर्स्ट ही नहीं करेगी तो और वैल्यू पुट करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो हेयर सेकेंड आपका क्या है, 0 + 0, आंसर इज 0। देखो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। एंड थर्ड इज 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड ही करेक्ट है। ओके, चाहे आप थर्ड भी आप इसको चाहो तो आप चाहो तो थर्ड भी देख सकते हो। y इज इक्वल टू 2x है, y के प्लेस पे हमारी वैल्यू y के प्लेस पे मेरी वैल्यू 1 है और प्लेस ऑफ x मेरी वैल्यू क्या है, -1। देखिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इसके लिए हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ओके, होप टू बी क्लियर। एंड नेक्स्ट दिस वन, इसमें आप फिर से आप इनके पेयर्स लिखिए किस तरह से है। देखिए इसमें हमारे पेयर्स क्या क्या हैं, -1 and 3 पहला पेयर है, सेकेंड 0 and 2 एंड थर्ड इज 2 and 0। ओके, अब हम इन्हें एक एक इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, हमारा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। इन प्लेस ऑफ y फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पेयर की क्या लेंगे, y के प्लेस में 3 इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ x -1 + 2। ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है बिकॉज 3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो होगा ही नहीं। ओके, सॉरी मैंने वैल्यू पूरी क्लिक कर दी, आई अगेन राइट दिस वैल्यूज, -1 and 3 एंड सेकेंड 0 and 2 एंड थर्ड इज 2 and 0। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके देखिए। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू x -2 इन प्लेस ऑफ y वैल्यू इज 3 इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ x -1 - 2। लेकिन हमारा आंसर तो -3 आ रहा है और इस साइड तो हमारा आंसर 3 है। दिस विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल कि क्वेश्चन सेकेंड भी हमारा करेक्ट हो। अब हम थर्ड पे जाएंगे। ओके, 1 and 3, 0 and 2 and 2 and 0। ओके, तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x + 2। ओके, तो इन प्लेस ऑफ y और वैल्यू इज 3 एंड इन प्लेस ऑफ x ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और x के प्लेस पे भी हमारा -1 ही है। ओके, ये देखिए 3 इज इक्वल टू 3, इसने इसको सेटिस्फाई किया। तो अब हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखेंगे। ओके, इस इक्वेशन में x y के प्लेस पे 2 और x के प्लेस पे 0। देखिए इसने भी इसको सेटिस्फाई किया। ओके, हम अगेन थर्ड भी वैल्यू को उसमें प्रेजेंट करेंगे। थर्ड इज 2 and 0 इन प्लेस ऑफ y 0 एंड इन प्लेस ऑफ x इज 2 2 + 2। ओके, देखिए इसने फर्स्ट को तो उसने सेटिस्फाई किया। दूसरा पेयर हमारा क्या है, 0 and 2 इन प्लेस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस, तो आपका लगा हुआ है -0 + 2। देखिए तो भी आपका आंसर 2 ही आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। अब हम थर्ड पेयर को भी इस पे प्रेजेंट करके देखेंगे। थर्ड पेयर में हमारा क्या है, इन प्लेस ऑफ x इज 2 एंड इन प्लेस ऑफ y इज 0। सो 0 इज इक्वल टू माइनस आपका लगा हुआ है इक्वेशन में। ओके, -2 + 2, ये देखिए -2 + 2 आंसर इज 0। इट मीन्स आपका इक्वेशन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल गाइज। ओके, दिस वन x + 1 एंड दिस वन। ओके, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट एंड इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक बॉडी के थ्रू जो हम काम करते हैं उस
उस काम पे जो कांस्टेंट हमारा फोर्स लगता है उसको हम किसके प्रोपोर्शनल के बेस पे, हम उसका प्रोपोर्शनल किस बेस पे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस उस बॉडी की, उस बॉडी के थ्रू कितनी डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका कांस्टेंट फोर्स कितना है. ओके, सो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. इसे हमें इसे एज अ इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट. हमें कांस्टेंट फोर्स क्या लेना है, एज अ 5 यूनिट बेस पे लेना है, और उसके बेस पे हमें इक्वेशन को क्रिएट करना है. ओके, सबसे पहले देखिए, सपोज कीजिए डिस्टेंस हमारी क्या है, वाई, ओके. अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. सपोज कीजिए डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स, और जो वर्क डन किया हमारी बॉडी से किया जाएगा विच इज वाई. ओके, ऑन दैट बेसिस जो भी काम ओके अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले सपोज कीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स एंड वर्क डन बाय द बॉडी इज वाई. ओके, अब देखिए हमारी बॉडी का जो भी हम काम कर रहे हैं उस वो किसके बेस पे डिसाइड की जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस जो हमारी बॉडी के थ्रू ट्रेवलिंग की जाएगी. ओके, दैट मीन ओके, अब हमें क्या दिया है यहाँ पे कि दिस विल वर्क डन इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस आपकी है ना वो है ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट फोर्स. सपोज कीजिए कांस्टेंट फोर्स को हमने सी लिया है. ओके, अब हमें क्या दिया है, दिस विल, हमारा कांस्टेंट फोर्स क्या है, 5 यूनिट इन प्लेस ऑफ सी. सो हेयर इन प्लेस ऑफ सी वी विल पुट 5. ओके, सो आपका इक्वेशन हमारा क्या बना, सबसे पहले ये देखिए वाई इज इक्वल टू 5x. किस तरह से बना, देखिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि किसी भी बॉडी के थ्रू जो हम काम करते हैं ऑन दैट बेसिस उसके थ्रू जो आपका कांस्टेंट फोर्स लगता है उसका प्रोपोर्शन किस बेस पे डिसाइड किया जाता है, उसकी उस बॉडी के थ्रू कितनी डिस्टेंस ट्रैवलिंग की गई है. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स एंड वर्क डन बाय बॉडी इज वाई. सो आपने देखा कि वर्क डन बाय बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय दैट बॉडी. ओके, सो हेयर दिस वन, और जो आपको यहाँ पे दिया है वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, तो हमने कॉन्स्टेंट फोर्स को एज अ सी लिया है. ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या है, सी वाई इज इक्वल टू सी एक्स एंड हेयर द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट. सो इन प्लेस ऑफ सी वी विल पुट 5. सो द हमारा इक्वेशन क्या बनता है वो देखिए, वाई इज इक्वल टू 5x सबसे पहले. अब उसके बेस पे हम टेबल क्रिएट करेंगे कि अगर हमने x के प्लेस पे 0 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑल्सो 0, और अगर मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, विल 5. दिस विल, इस इक्वेशन में मैं x को y की वैल्यू पुट करूँगी. ओके, ऑन दैट बेसिस मेरा टेबल किस तरह से क्रिएट हुआ, x एंड y. ओके, सो इन प्लेस ऑफ x 0 देन y ऑल्सो 0, इन प्लेस ऑफ x इज 1 देन y इज 5. ओके, आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ है. जस्ट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट हियर. इस तरह से आपको आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया. अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे पहले इतना प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया ना, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ और द वर्क डन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट के बेस पे. ओके, देखिए हम इस तरह से सबसे पहले हमने इसे ग्राफ पे प्रेजेंट किया. ओके, ग्राफ पे प्रेजेंट करने के बाद हमसे क्या पूछा गया है, फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन बाय व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एज इज 2 यूनिट एंड सेकेंड इज 0 यूनिट. ध्यान से देखिएगा इसमें,
ये देखिए 2 यूनिट, इसके बेस पे देखिए आपका जो मेन पॉइंट बनता है ना, दिस वन विच इज, ये देखिए दिस वन, ये हमारा और ऊपर तक जा रहा है ये देखिए। अगर हम इसे इस पॉइंट को होगा, मैंने ऐसे मिलाया इस तरह से लाइक दिस, तो देखिए ये हमारा पॉइंट 10 बनेगा। ओके सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ 2 यूनिट देन आंसर इज 10। ओके और दूसरा क्या है, 0 यूनिट, अगर 0 यूनिट के बेस पे हम एक्स 0 लेंगे तो वाई भी आपकी 0 ही होगी। ओके वाई भी आपकी 0 ही होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन 2 एज एक्स प्लेस देन आंसर आपका क्या आ रहा है 10, व्हेन 0 इन प्लेस ऑफ एक्स देन आंसर ऑल्सो इज 0। ओके हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, आप इसमें ग्राफ में अच्छे से देख सकते हैं। देखिए किस तरह से सबसे पहले जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ 5 यूनिट जो दिया था उसके बेस पे हमने टेबलर फॉर्म क्रिएट की। ओके उस टेबलर फॉर्म को सबसे पहले हमने उसे ग्राफ पे प्रेजेंट किया लाइक दिस, इस ग्राफ के बेस पे। ओके इस ग्राफ के बेस पे आप देख सकते हो, देखिए दिस वन ऑन द बेसिस ऑफ 2 यूनिट वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, 2 यूनिट डिस्टेंस आपकी एक्सप्रेस पे है 2। तो देखिए ये लाइन देखिए यहाँ से गई यहाँ तक, तो आपका वाई आपका क्या बना, दिस वन इज 10। ओके और जब आपका ऑन द बेसिस ऑफ 0 यूनिट पूछा गया है, तो अगर एक्स आपका 0 होगा तो वाई भी आपका 0 ही होगा, इट मीन व्हेन 2 देन आंसर वाई इज 10 इन ईजी फॉर्म, व्हेन 0 इन प्लेस ऑफ एक्स देन 0 इन प्लेस ऑफ वाई ऑल्सो। ओके एंड हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज प्रेजेंट लाइक दिस एंड दैट विल, जो मैंने आपको ग्राफ प्रेजेंट करके दिखाया दैट आप खुद ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करोगे देन इट विल बी मोर 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 क्लियरिटी टाइप ऑफ। ओके होप टू बी क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 की हैं एक स्कूल में, जिन्होंने टुगेदर साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन किया 100 रुपीज़ इन प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में। ओके फॉर दी अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए राइट अ लीनियर इक्वेशन, इसको फॉर्म करना है। अगर दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, सपोज कीजिए यामिनी ने एक्स रुपीस वाई दिए और फतिमा ने वाई, दोनों का टोटल आपको दिया है 100। दिस इज ऑनली अ वेरी इजी इक्वेशन। अब इसमें आपको वैल्यू को पुट करके बताना है कि इसके इक्वेशन क्या बनेंगे। अब सपोज कीजिए इन प्लेस ऑफ एक्स अगर हमारा 0 होगा तो हमारा वाई क्या होगा 100। ओके या तो फिर इन प्लेस ऑफ, अगर एक्स मेरा 100 होगा तो इन प्लेस ऑफ वाई हमारा क्या होगा 0। ओके और अगर इन प्लेस ऑफ एक्स मेरा 50 होगा तो वाई के प्लेस पे हमारा भी मेरा क्या होगा 50 + 50 = 100। ओके अब देखिए हेयर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, किस तरह से किया हुआ है, देखिए अगर एक्स के प्लेस पे 0 देन वाई 100, अगर एक्स के प्लेस पे 50 देन वाई 50, अगर एक्स के प्लेस पे 100 देन वाई 0। ओके अब इसे हमने ग्राफ पे किस तरह से प्रेजेंट किया, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके गाइज देखिए इसमें हमने उनको उसे वैल्यूज को पुट कर दिया है इन ग्राफ में। ओके गाइज आई होप आपको ये, दिस इज़ अ वेरी इजी फॉर्मेट एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन इस तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आपका दिस वन फर्स्ट इज 0 एंड 100, एंड दिस वन इज 100 एंड 0, और दिस वन देखिए ये आपका 50-50 है दोनों। ओके बस इसको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ। ओके गाइस होप टू बी क्लियर गाइस। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 4.4 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन द ज्योमेट्रिकल, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बेस पे भी इसको सॉल्व करना है और 2 वेरिएबल के बेस पे भी सॉल्व करना है। ओके देखिए अगर मैं इसको 1 वेरिएबल के बेस पे अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो कैसे करती हूँ, वेरी इजी, वाई इज इक्वल टू 3 जैसे कि आपने देखा, अगर मैं इसे एज ए 1 इक्वेशन के बेस पे लूँ
तो इसमें मेरा वेरिएबल क्या है, ओनली वाई। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ऑलवेज आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है जो कि नंबर लाइन पे हम प्रेजेंट करते हैं। ओके सो हियर दिस इज़ योर नंबर लाइन। ओके सिर्फ आपको उसमें y इज इक्वल टू 3 ये आपको प्रेजेंट कर देना है लाइक दिस। ओके गाइस आपको इस तरह से प्रेजेंट कर देना है, होप टू बी क्लियर। नेक्स्ट इज इन टू वेरिएबल्स के बेस पे अगर मुझे सॉल्व करना पड़े तो मैं किस तरह से सॉल्व करूँगी। y इज इक्वल टू 3 दिस वन, अगर मुझे इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेस पे प्रेजेंट करना है तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ए की वैल्यू मीन्स नहीं है तो हम क्या लेंगे 0। एक्स प्लस वाई की वैल्यू से वाई ही दी गई है तो बी के प्लेस पे 1 एंड 3 है आपका तो 3 के प्लेस पे हम क्या लेंगे सी के प्लेस पे -3। ओके ये आपका सबसे पहले एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूँगी, 0 एक्स प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 3। ओके अब हमें क्या करना है, इसमें इन प्लेस ऑफ एक्स वैल्यू पुट करके देखनी है और इन प्लेस ऑफ वाई वैल्यू पुट करके देखनी है और इसे सॉल्व करना है। ओके सो देखिए 0 इंटू अगर मैंने वैल्यू क्या ली है 1 ली है दिस वन तो y भी क्या आ जाएगा 3 क्योंकि 0 इंटू 1 इज 0। ओके और अगर मैं दूसरा इक्वेशन क्या लेती हूँ 0 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 देन y मेरा क्या हो जाएगा अगेन 3। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा ना, ध्यान दीजिए इसमें जिस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। देखिए थर्ड में मैंने क्या लिया -1 ओके इन प्लेस ऑफ x दिस वन। ओके देखिए जिस तरह से हमने इनको सॉल्यूशंस निकाले, हर टाइम मैंने एक्स की वैल्यू डिफरेंटली लेकिन वाई की वैल्यू मुझे हर टाइम सेम ही मिली, रीज़न क्या है देखिए इसमें, क्योंकि मेरे जो मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें इन प्लेस ऑफ एक्स के साथ जो रियल नंबर है वो 0 है। ओके तो इसलिए मेरा जो भी आंसर वाई आएगा वो सेम ही आएगा ओके ऑल टाइम। अब हमने जैसे इसे प्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ, तो देखिए आपको मैंने लास्ट बेसिक में भी क्लियर किया था, कभी भी अगर आपका ऑल टाइम देखिए वाई की वैल्यू सेम है तीनों टाइम और लेकिन एक्स की वैल्यू आपकी ऑल टाइम डिफरेंट हो चलेगा, तो ऐसा जो भी आप उसे जब आप ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे तो वो किस तरह से क्रिएट होगा, लाइक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके दिए गए आपने सॉल्यूशन की उन पेयर्स को जब आप ग्राफ पे प्रेजेंट करते हो, ऑन द ग्राफ पे प्रेजेंट करते हो तो जो लाइन आप क्रिएट करते हो वो किस तरह से प्रेजेंट होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके गाइस होप टू बी क्लियर हियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम अगेन, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज वेरी इजी। अगर मैं इसे एज अ वन वेरिएबल के बेस पे लूँ 9, सो x इज इक्वल टू -9/2। ओके तो इसे अगर मैं ग्राफ पे प्रेजेंट भी करूँ तो अगर आप इसे पॉइंट के बेस पे आप इसे कट भी करके देखो दैट विल बी इजी फॉर यू। -4.5 मतलब नंबर लाइन पे वो कहाँ पे क्रिएट होगा, नेगेटिव साइड में 4 और 5 के बीच में दिस वन। ओके जब ये एक वेरिएबल के बेस पे सॉल्व हो, अगर मैं इसे टू वेरिएबल्स के बेस पे सॉल्व करूँ, तो देखिए इसमें आप जब सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को तो इसमें अब क्या होगा ना, एक्स की वैल्यू ऑल टाइम सेम आएगी। ओके दिस वन अगर मैंने देखिए 2x + 9 = 0। ओके अगर मैंने इसमें मुझे अब इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में की तरह प्रेजेंट करना है तो कैसे होगा, 2x + 0y = -9। ओके अब मैं हर टाइम पे वैल्यू प्रेजेंट करूँगी और उसे सॉल्व करके देखूँगी। सपोज़ कीजिए
इन प्लेस ऑफ, अब मैं वैल्यू y की लेती हूँ ओके okay? अब अगर मैंने इन प्लेस ऑफ y मैंने फर्स्ट वैल्यू 1 ली ओके okay? तो देखिए 2x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू -9 ओके सो x मेरा क्या हो जाएगा -9/2 ओके okay, अगर मैं नेक्स्ट टाइम ओके अगर मैं फिर से मैंने अब 1 के प्लेस पे मैं क्या लेती हूँ 2 लेती हूँ 0 इंटू 2 तो भी मेरा आंसर सेम आएगा -9/2 क्योंकि 0 इंटू 2 इज़ 0 और x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो अपोजिट साइड में जाएगी दूसरे साइड में ओके सो x अगेन -9/2 अगर मैंने y के प्लेस पे क्या वैल्यू ली तीसरी बार 3 ली मैंने देखिए तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है -9/2 ओके होप टू बी क्लियर आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है देखिए इसे हम जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से देखिए क्या हो रहा है जब भी आपका टेबलर फॉर्म इस तरह से क्रिएट हो जिसमें कि x और y है ना x और y में अगर x की वैल्यू ऑल टाइम सेम आए y की वैल्यू कुछ भी लेने पर आपकी x की वैल्यू अगर सेम आए तो क्या होगा जो भी आप ग्राफ पे वैल्यू को प्रेजेंट करोगे और उस लाइन को जब आप उसे मीट करोगे तो वो लाइन क्या होगी वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी ओके वो लाइन किसके पैरेलल होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी दिस लाइन ये देखिए आप ध्यान से देखिए ये किस तरह से प्रेजेंट किए ये लाइन जब आप इन वैल्यूज को पुट करके देखोगे ना तो ये इस तरह से प्रेजेंट होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस ओके ऑन द पैरेलल टू y एक्सिस इसके बेसिक को मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया है प्लीज़ गाइस आप मेरे लास्ट सेशन को देखिए उसमें बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है दिस इज जस्ट अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिक ओके ये उसकी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया एनसीईआरटी की ओके गाइस होप टू बी क्लियर आई होप ये सेशन आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगा गाइस सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ like share and subscribe and please click the bell icon button to get all the notification of this channel okay thank you once again have a great day have a good day bye bye